सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबा कर पाएं सभी नोटिफिकेशन। नमस्कार, एमएचपी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। पुलिस इसको लेकर कई तरह के ख्याल मन में आते हैं, जहन में एक तस्वीर रहती है कि पुलिस वाले किस तरीके से होते हैं, उनका काम करने का अंदाज कैसा होता है, उनका डर होता है या उनको लेकर एक परसेप्शन बन जाता है। आज आपको हम मिलवाने जा रहे हैं कुछ ऐसे पुलिस वालों से जिनकी पहचान उनकी फिटनेस है और वो एक तरह से सबके लिए रोल मॉडल बने हुए हैं। तो सबसे पहले रुख करेंगे पंजाब का, आपको मिलवाएंगे पंजाब पुलिस के CIA इंचार्ज से। उनकी ऐसी शख्सियत है कि हर कोई उनको देखकर दंग रह जाता है और वो यूनाइटेड नेशन में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, वो एक खिलाड़ी भी हैं। सबसे पहले आइए देखते हैं उनके बारे में एक रिपोर्ट। आपने पुलिस महकमे में पुलिस वालों के कई किस्से सुने होंगे। लोगों के जहन में पुलिस वालों की एक अलग पहचान और कई बार एक अलग ही इमेज बनती है, लेकिन आपको मिलवाते हैं कैसे पुलिस वाले से जिनके आगे बॉलीवुड के फिल्मी पुलिस वाले भी फीके पड़ जाएं। जी हाँ, ये है पंजाब पुलिस के CIA ऑफिसर अतुल सोनी, जिन्होंने अपने फिटनेस से सभी को अपना कायल बना लिया है। इनकी लंबी चौड़ी कदकाठी को देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। जिम में सालों से की गई मेहनत के दम पर इन्होंने पाया है एक फौलादी शरीर। इस फौलादी शरीर के चलते अतुल सोनी का एक अलग ही लुक सभी के सामने आता है। CIA इंचार्ज इंस्पेक्टर अतुल सोनी पंजाब पुलिस के लिए ही नहीं बल्कि पंजाब के नौजवानों के लिए भी रोल मॉडल हैं। सबसे बड़ी बात है इनकी मेहनत, घंटों जिम में पसीना बहाना और अपने आप को पूरी तरह मेंटेन रखना। पुलिस की तनाव भरी जॉब में फिटनेस फर्स्ट को उन्होंने अपना मूल मंत्र बना लिया है। एक बात और जो इंस्पेक्टर अतुल सोनी के बारे में हैरान करती है वो है उनकी उम्र। 49 साल की उम्र में वो किसी भी नौजवान को फिटनेस के मामले में मात देने का मादा रखते हैं। रूपनगर CIA इंचार्ज इंस्पेक्टर अतुल सोनी 3 बार यूनाइटेड नेशंस में देश का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और कॉमनवेल्थ हैंडबॉल चैंपियनशिप में सिल्वर मेडलिस्ट हैं। अतुल सोनी बचपन से आज तक अनुशासन और अपनी दिनचर्या में ढले हैं, जिसका नतीजा है ये शानदार पर्सनैलिटी जो सभी के लिए रोल मॉडल जैसी है। ब्यूरो रिपोर्ट, MH1 न्यूज। तो चलिए आपकी मुलाकात करवाते हैं CIA इंचार्ज इंस्पेक्टर अतुल सोनी से। सोनी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका MH1 न्यूज पर। नमस्कार सर। नमस्कार जी। थैंक यू जी अतुल जी। सोनी साहब, ये बताइए कि ये जिस तरह की आपकी फिटनेस है, क्योंकि पुलिस का जब भी नाम आता है तो एक अलग पिक्चर सामने आती है। कभी कभी कहा जाता है कि वो मोटे पेट या फिर कुछ और कुछ भी मान लीजिए, लेकिन आपको देखकर तो जाहिर सी बात है कि महकमे में भी इंस्पायर होते होंगे लोग। इसमें सर ये है कि जब तक आप डिसिप्लिन में रहेंगे, अपनी फिटनेस के ऊपर ध्यान रखेंगे, तभी आप अच्छी सोसाइटी के लिए काम कर पाओगे सर। इसकी शुरुआत कैसे हुई? ये सर 1880 में सर, जब मैं स्कूल में था तो मेरे फादर साहब मेरे को लेके जाते थे स्कूल सर, तो वहां से फिर मैंने हैंडबॉल खेलना शुरू किया सर। हमारे कोच थे सरदार चरण सिंह सर,
तो उसी में फिर मैं स्कूल में खेला, फिर मैं कॉलेज में आ गया सर। कॉलेज में मैं फिर इंटरवर्सिटी वगैरह इंटर कॉलेज वगैरह खेल के सर, उसके साथ ही मेरे इंटरनेशनल में सर सिलेक्शन होगी। तो इसमें मेरे तीन मेरे जो इंटरनेशनल लेवल पे मेरे सिल्वर मेडल है, जिसमें एक कॉमनवेल्थ है 1994 वाली सर जो दिल्ली में हुई थी, एशियन गेम्स जूनियर है सर जो तेहरान में हुई थी सर, उसमें भी सिल्वर मेडल है सर, और एक सीनियर नेशनल सीनियर एशियन हुई थी हमारी सर मलेशिया में, उसमें भी सर मेरा सिल्वर मेडल था सर। तो जो आपके फादर साहब थे जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, क्या वो भी किसी तरह की रेसलिंग या पहलवानी से जुड़े हुए थे? वो उस समय तो इतनी वो पहलवानी होती नहीं थी, पर ये था भी जो सिंपल जो गांव से हम आए थे, तो यहाँ पर एक अखाड़ा होता था सेक्टर 20 में मस्जिद के सामने, तो वहाँ पर वो लगते होता था अखाड़ा, तो वो वहाँ पर मेरे को लेके जाते थे, अपने आप भी कुश्ती लड़ते थे फिर वो, और इंटरनेशनल लेवल पर तो नहीं वो लड़े ना नेशनल लेवल पर, तो एज ए फिटनेस के लिए वो रहते थे वहाँ पर सर। यानी आपको विरासत में फिटनेस मिली है पर क्योंकि फादर करते थे उन्होंने आपसे करवाई? हाँ, करवाने का तो नहीं, मैं थोड़ी मोटिवेशन दी तो मेरे दिल में हुआ भी नहीं मैं भी करूँ ये फिटनेस के मामले में। फिर हमारा सारा परिवार इधर इकट्ठा हो गया सर, मेरी सिस्टर थी वो भी सर नेशनल लेवल की प्लेयर है हैंडबॉल की, जो मेरी वाइफ है वो भी हैंडबॉल की प्लेयर है सर नेशनल लेवल की, जो मेरा बेटा है वो फुटबॉल का है सर नेशनल लेवल का प्लेयर सर, तो सारी फैमिली हमारी स्पोर्ट्स में और फिटनेस में है सर। आप सबके रोल मॉडल हैं इस टाइम, अपने बेटे के तो रोल मॉडल होंगे ही, जाहिर सी बात है। नेचुरली अभी तक तो वो मेरे को ही मानता है, आगे देखते हैं किसको मानेगा सर वो। अच्छा, हम कई बार फिल्मों में क्या देखते हैं कि मान लीजिए कोई क्रिमिनल है या कोई सस्पेक्ट है, अगर वो जानकारी नहीं दे रहा है, मुंह नहीं खोल रहा है, तो एक ऐसा पुलिस वाला आता है जिसको देखकर वो सब बता देता है। आप भी जब जाते होंगे रिमांड रूम में तो शायद ऐसा ही होता होगा? तकरीबन जब मैं लेने जाता हूँ किसी को तो वो वही मान जाता है 90% तो मैंने यही देखा, वही मान जाता है। अगर थोड़ा बहुत आओगे तो फिर उसको साइकोलॉजिकल में उसको लेके अपने रूम में बैठा के उसको पहले तो आराम से समझाते हैं, उसके बाद फिर जैसे जैसे हालात बदलते हैं वैसे वैसे फिर हमारे को बदलना पड़ता है सर। मतलब मारना ही पड़ता है? नहीं, अब थर्ड डिग्री तो रहा नहीं, अब तो सर साइकोलॉजिकल ही है सारा सर सारा। सुनी साहब, अलग अलग नामों से आपको बुलाया जाता होगा फिर वहां पर? हाँ जी सर, अभी तो दो नामों से बुलाया जाता है वहां पर सर, एक तो सिंघम के नाम से और एक दबंग के नाम से। अरे वाह, किसी ने आर्नोल्ड नहीं बोला आपको? अभी पूरे चर्चित में है सर। नहीं, अभी तक तो नहीं बोला सर। अच्छा, एक बात बताइए कि आप यूनाइटेड नेशंस गए, बहुत बड़ी बात थी, भारत को आपने रिप्रेजेंट किया, वहां एक्सपीरियंस किस तरह का रहा है? काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था वहाँ का जी। 2006 और 7 में मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली सबसे पहले जाने के लिए कसोवो में सर, तो वहाँ पर ऑल ओवर वर्ल्ड की जो पुलिस है वहाँ पर वो काम करती है इकट्ठे होके, तो उसमें हमारे ग्रुप वगैरह बन जाते हैं, कोई अमेरिकन के साथ रहना चाहता है, कोई कनेडियन के साथ रहना चाहता है, कोई सर्बियन के साथ रहना चाहता है वहाँ पर, तो वहाँ पर इटालियन लड़के थे जिनके साथ मैं रहा वहाँ पर, और कनेडियन थे लड़के सर, तो उनके साथ उनका काम देख के जो उन्होंने हमसे सीखा जो हमने उनसे सीखा, तो इट वॉज ए वंडरफुल एक्सपीरियंस। उसने सारी जो हमारी मेंटेलिटी थी वो सारी की सारी चेंज कर दी। उसके बाद फिर जो 3 साल के बाद जो कूलिंग पीरियड होता है, फिर हमारा साउथ सूडान के लिए नंबर आ गया, वहाँ मैं नहीं गया। फिर 2015 और 2016 में मैं हेती में था अभी 1 साल के लिए, तो वहाँ पर भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा, एक ऑल ओवर वर्ल्ड के पुलिस के साथ काम करना और एक अपना जो पर्सनल एक्सपीरियंस उसको शेयर करना उनसे लेना, इट वॉज द बेस्ट थिंग फॉर अस टू। और वही ला के हमने सारा पंजाब पुलिस को, पब्लिक को, जो हमारी सोसाइटी है उनको भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तकरीबन सभी इसी के लिए बहुत ज़्यादा हैप्पी है। क्या कुछ अलग आपको नजर आया? मतलब बहुत सी बात आपने सिखाई होंगी, क्या कुछ स्पेशल आपको लगा सीखने लायक? सीखने लायक तो जो सबसे अच्छे इन्वेस्टिगेटर है अब हम इंडियन और पाकिस्तानियों में से कोई भी नहीं है, ये मैंने वहाँ पर ये सीखा है। उनको फिजिकली करके दिखा दिया, मेंटली करके बता दिया हमने, एक भी जो इंडियन है और जो पाकिस्तानी इन्वेस्टिगेटर है उनके जैसा इन्वेस्टिगेटर हमारे हमने वहाँ पर भी नहीं देखा। सिर्फ ये होता है कई बार हमारे पास इक्विपमेंट थोड़े कम हो जाते हैं, उनके पास थोड़े सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट है, कोई वारदात होगी, हेलीकॉप्टर आ गया 2 मिनट में, लड़के आ गए, बैकअप बहुत जल्दी आती है, यहाँ पर थोड़ी उस चीज़ की प्रॉब्लम है। तो बेसिकली वी आर द बेस्ट, इंडियन पुलिस इज द बेस्ट वन, जिसमें पंजाब पुलिस का नाम सबसे पहले आता है जी।
कुछ डिसिप्लिन के मामले में या फिर जो होता है जीरो नेग्लिजेंस की कोई भी चीज जो है वो गलत है या कानून के दायरे से बाहर है उसको लेकर कुछ ज्यादा स्ट्रिक्ट है वहां पर? हाँ ये तो है बिल्कुल जी, वहाँ पर तो अगर आपको जो नॉर्म्स और नॉमिनेशंस वहाँ पर हैं सारे हमारे को पहले साइन करने पड़ते हैं। सबसे ज़्यादा तो जो वहाँ पर हरासमेंट है, जो लेडीज़ के लिए हरासमेंट है या सेक्सुअल अब्यूज़ है वहाँ पर, अगर वैसी कोई अगर वारदात वगैरह होगी वहाँ पर या किसी ने शिकायत कर दी, विद इन नो टाइम आप वहाँ से रिप्रेडेटेड हो सकते हो, इंक्वायरी खुल जाएगी, वही सारा आपका डिपार्टमेंट में आएगा सर, उसका फिर आके लिख के बेइज्जती अलग होगी है ना, हमारे जो अलग होगा हमारा डिसिप्लिन एक्शन वो अलग लिया जाएगा। हर चीज़ के लिए वहाँ पर नॉर्म्स बने हुए हैं जिसको हमारे को फॉलो करना ही करना है, तो वही डिसिप्लिन जो हमने स्कूल से सीखा था वो अब तक 25 साल की जो हमारी सर्विस है उसमें और जो 49 एज की और एज में है मेरी, वो उसमें सारा डिसिप्लिन ही है जो मेरे को यहाँ तक अभी तक लेके आया है। अच्छा तो वो भी आपके फिटनेस से कायल तो हो ही गए होंगे? नेचुरली अब तो वो मेरे को इंडियन बोलते नहीं थे, इटालियन बोलते थे, मेरे को भी इटालियन लड़के है ये, इतना फिट है जो एकदम में पहाड़ी चढ़ जाना उतर जाना, इतना वेट उठा लेना, उनके साथ भागना, जंगलों में रहना तीन तीन चार चार दिन, तो नेचुरली जो साथ होता है उसके साथ जो बोलते ना खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, तो वो था उसमें भी अपने आप को पूरा उसमें चेंज कर लिया, उन्हीं का सिस्टम में सारा चेंज हो गया, उनको अपने सिस्टम में ले लिया, तो इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस फॉर मी सर। अच्छा ये बताइए कि ये जिस तरीके की चीजें आपने अब सारी बताई, अपनी सर्विस के बारे में बताया, एज सिर्फ एक नंबर है ये मान लिया जाए, उम्र बहुत ज्यादा मायने नहीं रखती है अगर जहन में है कि करना है? मेन तो ये है डिसिप्लिन चाहिए लाइफ में, एक आपको चाहिए मोटिवेशन और तीसरा होगा आपको डिटर्मिनेशन, अगर डिटर्मिनेशन है भी ये मैंने काम करना है और उसको करना है इट मीन्स भी वो मैंने करना है। अब जो मेरे वाला केस है उसमें आप देखिए, जब मैंने खेलना शुरू किया था तो मेरे को एक बार इंडिया टीम से निकाल दिया गया, दूसरी बार निकाल दिया गया, पेरेंट्स को मैंने बोल दिया भी नहीं मैं अब पढ़ाई छोड़ रहा हूँ, मैंने कहीं नहीं जाना जब तक मैं इंडिया मेरे पीठ के पीछे नहीं लगा, 2 साल के लिए मैंने बिल्कुल अपना पढ़ाई छोड़ दिया, वहाँ पे सारा दिन ग्राउंड में, सारा दिन ग्राउंड में। तीसरे साल आई वॉज द कैप्टन ऑफ द इंडियन टीम, तीन मैंने इंटरनेशनल टूर्नामेंट खेले, तीनों में मैं इंटरनेशनल में कैप्टन था और तीनों में मेरे सिल्वर आए हैं। उसके बाद फिर जहन में आ गया भी नहीं मेरे को पंजाब पुलिस ज्वाइन करनी है, मैं पंजाब पुलिस में ही ज्वाइन हुआ, उस समय जो थी हमारी ग्रेजुएशन नहीं थी 10+ BA फर्स्ट ईयर होती थी, उस समय BA फर्स्ट ईयर में था, फिर मेरे को था भी नहीं ग्रेजुएशन करनी है और फिर मैंने MA करनी है, साथ साथ हमारी जॉब चलती रही, साथ साथ फिर मैंने पढ़ाई की, ग्रेजुएशन कंप्लीट की, उसके बाद फिर मैंने MA किया, मैंने उसमें डिटर्मिनेशन के साथ ही चलता रहा। उसके बाद था कि मेरे को यूनाइटेड नेशंस में जाना है, उसके लिए मैंने पढ़ाई अलग से शुरू कर दी, अलग से मैंने अपना मोटे बना लिए, मैंने जाना है, तो मैं 3 बारी हो गया मैं, तो जो मेरे साथ जो को प्लेयर था मेरे, जो मेरी हाउस वाइफ है सुनीता की, मैंने इसी के साथ शादी करनी है, तो मैंने वो भी उसी वैसे ही का वैसे ही किया जो मैंने, बड़ी अचीवमेंट तो यही है। तो ये जो है आपने एक एक जो आपने ये देख लिया भी ये मैंने करना है तो वो करना है तो भी आप कामयाब होगे, नहीं तो आप नहीं हो पाओगे लाइफ में। सपने देखिए और उनका पीछा भी करिए। बिल्कुल सर, जब तक वो पकड़े नहीं जाते उनसे आगे भागना पड़ेगा, उनके साथ साथ नहीं भागना पड़ेगा, उससे आगे भागना पड़ेगा। ये जो मोटिवेशन का जिक्र होता है, जब हम पंजाब में किस तरह के हालात देखते हैं, आजकल जो यूथ है वो जिस तरीके से ड्रैग हुआ है, जिस ओर जा रहा है, आपके सामने केस भी आते होंगे, उनके उनका कोई किस्सा ऐसा या कोई ऐसा वाकया कि उनको लगाओ कि हाँ सर के जैसा बनना है? मैंने अभी शुरू किया जो इंस्टाग्राम जो है, मैंने अभी पीछे 2 महीने में शुरू किया, उसमें मेरे साथ कम से कम भी 20,000 जो यूथ है वो जुड़ गया होगा, 20,000 यूथ विद इन 2 मंथ। जहां मैं जाता हूं, जहां मैंने शुरू कर दिया खड़ा होना, जहां मैं खड़ा हो गया, जहां मेरा नाका लग गया, जहां मैं जिस जिम में चला गया, वहां पर पब्लिक बच्चे छोटे सारे इतने ही इकट्ठे हो जाते हैं सिर्फ ये देखने के लिए भी अतुल आया है, जो इसलिए क्योंकि एक डिटर्मिनेशन है, एक मैं नो ड्रग्स के लिए, नो पंजाब को पूरा फ्री ड्रग्स के लिए मैं एक अभियान हमारा चल रहा है, उसमें हम हमने एनजीओ के साथ भी कोऑर्डिनेशन किया हुआ है, तो वो उसको लेकर जो यूथ इतना मेरे साथ आ गया, इतना यूथ हो गया मेरे साथ, भी जान को बोल दिया उन्होंने वहीं खड़े होना है। अभी मैं पीछे 3-4 दिन हो गए जिम में जाकर आया, वहाँ पर उनका पसीना पसीने से वो एक्सरसाइज कर रहे थे, तो मैंने यूनिफॉर्म डाली थी, तो मैंने सबको आगे जफ्फी डाली कि सर आपकी यूनिफॉर्म खराब हो जाएगी, मैं यूनिफॉर्म नहीं खराब होगी, ये इससे और चमकेगी ये आपके पसीने से जो आप यहाँ पर लगा रहे हो, तो उनका जो मोटिवेशन इतनी बढ़ गई है, वो जो लड़के ने छोड़ दिया था जिम जाना,
जिन्होंने ड्रग्स अभी शुरू किया था या छोड़ना चाहते थे, उनमें से 80% जो लड़कियां वो अब एक्सरसाइज की तरफ, जिम की तरफ भाग रहे हैं। जी हाँ, लेकिन इन सब चीजों के मद्देनजर जिस तरीके से मामले सामने आते हैं, तो कुछ ऐसा लगता है आपको कि चीजें बदलेंगी? 100% बदलेंगी सर, हम बदलने वाले बैठे हैं। हम मोटिवेशन कर रहे हैं लड़कों को, जितनी जितना जितना हमारे से हो रहा है, हम तो दिन रात लगे हुए हैं। एनजीओ हमारे साथ हैं, जो जब जब यूथ आपके साथ हो जाते हैं ना, पब्लिक आपके साथ हो जाती है, तो वो नेचुरली आपको एक नया रेवोल्यूशन मिलेगा ही मिलेगा। और पंजाब में जैसे टेररिज्म था, वो टेररिज्म खत्म कैसे हुआ, अकेले पुलिस नहीं कर पाई, इसके साथ पब्लिक की कोऑर्डिनेशन इतनी ज़्यादा हो गई थी कि दोनों ने जब इकट्ठे हमने काम किया तो टेररिज्म खत्म हो गया। नेचुरली ये तो अभी कुछ भी नहीं है, जो ड्रग्स के मामले भी अब इतना यूथ इकट्ठा हो रहा है, इतना पब्लिक इकट्ठी हो रही है, जैसे जैसे बीच में कहीं भी डेथ हो जाती है उनकी फैमिली के साथ और रिलेटिव के साथ भी, हमारे बच्चों के साथ ऐसा ना हो जाए ऐसा ना हो जाए, तो वो इतना मोटिवेट हो गए, इतना करेंगे ये सब, तो और आगे आने वाले टाइम में बिल्कुल खत्म हो जाएगा, आप देखना पंजाब में तो स्पेशली। चर्चा हम कर रहे हैं इस वक्त इंस्पेक्टर अतुल सोनी से, और क्योंकि इतना टाइट शेड्यूल रहता है कि हमें उन्हें जिम में ही पकड़ना पड़ा जाकर, और वो या तो ड्यूटी पर होते हैं या जिम में होते हैं। सोनी साहब, ये मैनेज कैसे होता है, ड्यूटी उसमें इतना स्ट्रेस, फैमिली और उसके बाद जिम? इसमें तो मेन बात वही डिटर्मिनेशन के आगे भी हम करना क्या चाहते हैं, बॉडी फिट रखना चाहते हैं, उसके साथ ड्यूटी भी करना चाहता हूँ, उसके साथ मैं अपनी फैमिली को भी देखना चाहता हूँ। तो इसको एक पार्ट्स में डिवाइड कर लिया सर, अर्ली मॉर्निंग 4:30 बजे से लेकर 8 बजे तक में मैं जिम में होऊंगा, उसके बाद मैं जितना मेरा टाइम लगेगा जितना मैं होऊंगा मैं ऑफिस में होऊंगा 2 या 3 घंटे, अगर शाम को मैं आ गया तो मैं घर पे चला जाऊंगा। घर पे कई बार नहीं भी जाने का टाइम लगता है, रात को हम 2-2, 2:30, 3 बजे आते हैं, तो गाड़ी में बीच में कहीं सो गए जाके या किसी थाने में जाके सो गए, उसके बाद सुबह से वहीं से तैयार हो गए सीधा जिम के लिए आ गए। तो इसको अगर डिटर्मिनेशन आप बोलोगे तो वही, अभी ये मैंने काम करना है तो ये करना है, तो हर चीज़ के लिए टाइम निकल जाएगा। जब हम बोलते ना किसी को ये तुम यार ये कर नहीं रही है, मेरे पास टाइम नहीं है, ये तो बिल्कुल झूठ बोलने वाली बात होगी, भी मेरे पास टाइम नहीं है। टाइम हम अपने लिए नहीं निकालेंगे तो किसके लिए निकालेंगे? अगर आप फिट हो, पब्लिक फिट है, आपकी सोसाइटी फिट है, तो आप अच्छा देख पाओगे आगे कंट्री के लिए। ये लेकिन घर वाले शिकायत नहीं करते हैं कभी, आप कितना वक्त दे पाते हैं बच्चों को, कब मिल पाते हैं, इस तरह की शिकायत नहीं रहती है? काफी लड़ाई रहती है इस बारे में, तो अब आप पूछे तो ठीक रहेगा। इस नाते तो बहुत लड़ाई रहती है। पीछे 3 महीने की बात है, तो मैं और मेरी वाइफ बैठे हुए थे, छुट्टी का दिन था, तो जो मेरा बेटी जो है वो बड़ी है, बेटा मेरा छोटा है, तो दोनों की फोटो मेरे पास ले आके देख रही है, भाई अतुल बताओ इसमें से भव्या कौन है और सौमिल कौन है। और मैं 15-20 मिनट उसको देखता रहा, मेरे को ये नहीं पता लगा भी इसमें से मेरी बेटी कौन है मेरा बेटा कौन है। इतने छोटे छोटे होते थे, तो मेरे को कभी आज तक ये नहीं मेरे को याद रहा भी मैं इनका कभी शॉपिंग करने के लिए लेकर गया हूँगा या इनके साथ मैंने कभी टाइम बताया होगा। सारा का सारा टाइम मैंने अपने डिपार्टमेंट के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए, अपने लिए ऐसे निकाल दिया। अब 3 साल के बाद जाके मैं, अभी मेरी बेटी की अभी ग्रेजुएशन हुई है कैनेडा से, तो मैं अभी पूरी फैमिली को साथ लेकर गया, तो 3 साल के बाद मैं अब बेटी को मिला हूँ वहाँ पर जाके। तो ये तो आपको थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा, या आप अपनी बॉडी के लिए कर रहे हो, सोसाइटी के लिए कर रहे हो, तो थोड़ा बहुत तो फिर फैमिली को भी एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, वो हो रही है एडजस्टमेंट। ये आपने बताया कि आपने इंस्टाग्राम पेज शुरू किया, आपका फेसबुक पेज भी है, और वहाँ 20,000 आपसे जुड़ गए, तो उसमें फीमेल फैन फॉलोइंग भी बहुत ज्यादा होगी? हम ये तो मेरे को नहीं चेक करना आता है फीमेल कितने हैं मेल कितने हैं, पर मेरे को ये है इतना हो गया भी मेरे साथ जुड़ रहा है, यूथ जुड़ रहा है बहुत ज्यादा यूथ जुड़ रहा है, और जुड़ इसलिए रहा है क्योंकि मैं एंटी ड्रग्स के ऊपर काम कर रहा हूँ, फिटनेस के ऊपर काम कर रहा हूँ। और अगर जैसे ये नाम रख दिया सिंगम रख दिया या दबंग रख दिया, इसका वो पिक्चर के साथ आप थोड़ा सा रिलेटेड ये उसमें है भी, अगर कोई आप पुलिस ऑफिसर के पास कोई रोता हुआ जाता है, तो अगर जब तक वो हंस के नहीं वापस बाहर निकलता, तो उसको सेटिस्फेक्शन नहीं होनी चाहिए पुलिस ऑफिसर को कि मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ। तो वो चीज़ जो हम मैंने यूनाइटेड नेशन में जाके वहाँ पर सीखी है, वो तो वो यही थी वहाँ पर भी, अगर मैं मेरे को कोई प्रॉब्लम है मैं एक पुलिस ऑफिसर के पास गया, तो वो अब मेरी प्रॉब्लम खत्म होगी, वो अब उसकी शुरू होगी भी, अब मैंने उसका निपटारा कैसे करना है। द सेम थिंग हमने यहाँ पर अप्लाई किया, तो अपने आप को भी इतनी सेटिस्फेक्शन होगी, पब्लिक इतनी साथ जुड़ना शुरू होगी, इवन कि अगर कोई रिक्शे वाले को भी प्रॉब्लम होती तो वो सिंपल किसी को बगैर पूछे किसी की बगैर सिफारिश लगाए मेरे पास आ सकता है वहाँ पर, चाहे मैं थाने में हूँ चाहे मैं CIA में हूँ, किसी को प्रॉब्लम होती है, मेरे डिस्ट्रिक्ट के बाहर के भी लड़के मेरे को मिलने आ जाते हैं भी सर हमारे को ये प्रॉब्लम आ रही है,
वो यही कोऑर्डिनेशन की बात है। अभी कोऑर्डिनेशन आप कैसे कर पाओगे, वो तब कर पाओगे अगर आप फिट हो, आपका दिमाग फिट है, अब अगर आप अच्छी सोच समझ रहे हो तो। पुलिस का काम पब्लिक डीलिंग का काम है, बहुत से लोगों से मिलना पड़ता है, शिकायतें सुननी पड़ती हैं, कई बार एक तरह की थैंकलेस जॉब हो जाती है। कभी कभी ऐसा नहीं होता कि पहलवान वाला दिमाग इस्तेमाल करना पड़े? नहीं, अभी तक तो ऐसा कोई नहीं आया समझाने से, मेरे समझाने से तकरीबन, मेरे समझाने का सिस्टम ही कुछ और है, बड़े आराम से समझाते हैं, बड़े आराम से, और वो बोल पड़ता है एंड में जाके। नहीं समझेगा फिर दूसरे आदमी के पास भेजूंगा, दूसरे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के पास भेजूंगा, उससे क्वेश्चन मार्क करवा लेंगे, भाई ये क्वेश्चन पूछने हैं, वहाँ से नहीं होगा तीसरे से, तीनों को कोऑर्डिनेट कर लेंगे, कुछ ना कुछ निकल जाएगा, अपने आप बोलेगा भी हाँ भी मैं ये चीज़ मैंने की है। अभी तक कोई ऐसा नहीं है अभी हमारे को कोई पटाई करके या कुछ करना पड़े, नहीं ऐसी मेरे बात में नहीं आई है। अच्छा, कहीं भी जब आप जाते होंगे, मीटिंग हो या दूसरे प्रोग्राम हो, जो बड़े अफसर हैं, एक अलग इंप्रेशन आपका तो जाहिर सी बात है वहां पड़ता ही होगा। काफी अलग पड़ता है इसमें तो, आपके जब बॉडी स्ट्रक्चर आप देखोगे कि अगर किसी पुलिस ऑफिसर को अगर कोई गुस्सा भी होगा मेरे ऊपर तो मैं जाऊंगा और मैं सीधा सूट मारूंगा जाके, मेरी यूनिफॉर्म को देख के तो अपने आप खुड़ा जाएंगे, नहीं यार कि पता नहीं इसने वो अच्छी तरह अपने अपने कोई गलत तरीके से नहीं कोई बुरा काम किया होगा, अगर हो गया तो हो गया होगा, लेकिन बाकी उनका देखने का रवैया ही बिल्कुल चेंज हो जाता है जिस समय मैं वहाँ जाता हूँ, क्योंकि आपने मेरी यूनिफॉर्म भी देखी होगी, मेरे चार डिस्कें लगी हैं जो डीजीपी डिस्क बोलते हैं उसको, और दो मेरे यूनाइटेड नेशंस के मेरे लगे हुए हैं, तो वो काफ़ी कम, इतने मेरे जो साथ के जो मेरे ऑफिसर हैं उनके बहुत कम लगे हुए हैं, जो बहुत बड़ी बात है ये तो। जो मेरी यूनिफॉर्म की आप डेकोरेशन देखोगे इट इज़ द, इसके लिए तो सबसे बेस्ट मैं यही कहूँगा भी, मैं थैंक्स अपने सीनियर ऑफिसर्स का भी, जो मैंने काम किया उसके लिए मेरे को साथ के साथ रिवार्ड मिल रहा है मेरे को। पंजाब CIA इंचार्ज इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए, इंस्पेक्टर अतुल सोनी, सीधा जिम से जो उनका दूसरा घर है, क्योंकि जिम में जैसा वो बता रहे हैं 3.5 से 4 घंटे तक वो बिताते हैं। सोनी साहब, डाइट क्या रहती है आपकी, क्योंकि बहुत सारे लोग ये जानना चाह रहे हैं। सर एक्सरसाइज में तो अगर ये होगा कि अगर आप एक्सरसाइज करना चाहते हो अच्छी तरह से तो 70% है वो जो डाइट पे कंसंट्रेट आपको करना पड़ेगा, और जो 30% है वो आपको एक्सरसाइज के ऊपर, जो मेरी सुबह की डाइट से लेकर शाम तक का मैंने शेड्यूल बनाया है, 2-2 घंटे के बाद मैं खाता हूँ। जैसे अर्ली मॉर्निंग में मैंने आना जब जिम करने के लिए तो मैंने चिकन राइस और कर्ड लेके आना है, वो खा के आना है मैंने, उसमें 1/2 किलो चिकन हो जाता है, उसमें पाइया से चावल हो गए, साथ में कर्ड हो गया एक बड़ा सारा डब्बा, उसके बाद एक्सरसाइज करने के साथ साथ वो मेरे जो अंडे होंगे वो 6-6 अंडे होंगे 2-2 घंटे के बाद, बीच में उबले हुए आलू हो जाएंगे, फिर फिश हो जाएगी, अगर हमने अगर ब्राउन ब्रेड होगी उसके अंदर टर्की डाल लिया, हैम डाल लिया, चिकन के पीसेस डाल लिए, और ग्रीन सैलड हो गया, लॉट ऑफ वाटर हो गया, तो ये मेरी जो है डाइट प्लान है, साथ में जो रिसेंटली जो फूड चल रहा होगा वो होगा 2-2 घंटे के बाद। मतलब घर से सारा खाना पैक करके निकलते हैं आप सुबह? हाँ, मेरे को रात को सारा ये पैक करके रखना पड़ता है, सारा फ्रीजर पे रखना पड़ता है, साथ में मैंने रखा फ्रिज रखा हुआ गाड़ी में छोटा था, उसमें बर्फ वगैरह होगा, सारा कुछ सामान होगा जो नहीं खराब होने वाला होगा, वो सारा साथ ही लेके चलना पड़ता होगा। वाइट चने हैं जो सबसे बेस्ट है, वो हम बोलते हैं ना ब्लैक चने खाने चाहिए, अगर आपने जिम करना है तो उसके साथ वो वाइट चने उसको भुगो कर रखोगे आपने सुबह, वो आप खाओगे 2-2 घंटे के बाद, थोड़े थोड़े चाहे 5-5, 6-6 खा लिए, उससे उस पर देखना आपकी स्ट्रेंथ कैसे जाएगी, घोड़े से भी तगड़े हो वो आपको लेके जाएगा उसको। फिटनेस के बड़े राज आप बता रहे हैं, तो ये पॉसिबल रहता है क्योंकि ड्यूटी पे हैं, कहीं पर मीटिंग है, कोई केस आ गया, ये जो 2-2 घंटे वाला आपका ये रूटीन है ये फॉलो हो पाता है? तकरीबन मैं फॉलो करता हूँ इसको, क्योंकि मेरे साथ जो एक लड़का है वो मैंने पक्का इसी के लिए डाइट के लिए रखा हुआ है, वो चाहे मैं मीटिंग में हूँ, मैंने बाथरूम भी जाना है साथ में, मैंने उसके साथ के साथ ही वो उसने रखा हुआ ना, वो मैंने खा के फिर मैंने मीटिंग में बैठ जाना है। ड्यूटी पे तो 24 घंटे हमारा होता है, चलो भागना दौड़ना पड़ता, वो गाड़ी में सामान पड़ा रहता होगा, तो इसको फॉलो करना ही पड़ेगा आपको, बीच में अगर 1-1.5 घंटा ऊपर नीचे हो गया तो वो फिर जेब में कुछ ना कुछ रखना पड़ता है खाने के लिए, जैसे थोड़े से काजू हो गए, बादाम हो गए, किशमिश होगी, वो साथ साथ आपको खानी पड़ेगी वो टाइम को बचाने के लिए। अच्छा, ये तो आपका डाइट प्लान रहा, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपको कोई फिल्मों के या गानों में मॉडलिंग के ऑफर ना आए हों? अभी मैंने 4-5 मॉडलिंग के जो थे वो मैंने कर चुका हूँ, मैं जो पंजाबी सॉन्ग्स वगैरह में थे उसमें मैंने कर लिए हैं, पिक्चर का तो अभी नहीं आया कोई भी, लेकिन ये अभी जो रियलिटी शो है इसके मेरे को ऑफर्स आने शुरू हो गए हैं,
तो अभी डिसाइड नहीं मैंने किया अभी उसको करना है कि अभी नहीं करना है, तो स्टिल आई विल ट्राई माई बेस्ट भी मैं इन चीज़ों को करूँ साथ साथ में। अच्छा, फिल्म करेंगे आप अगर ऑफर आता है तो? हाँ नेचुरली करेंगे, इतनी मेहनत कर रहे हैं तो अगर कोई अच्छी सी फिल्म आएगी जिसके जिसका देख के यूथ को अगर कोई अच्छी कोई चीज़ मिलती है, यूथ से मैं सारा कंसर्न करके अगर आएगी भी फिल्म का ऑफर भी आएगी तो भी इंस्टाग्राम पे डालूंगा भी, यूथ से पूछूंगा भी हाँ भी करूँ या ना करूँ, अगर बोलेंगे करो तो जरूर करूँगा, अगर बोलेंगे सर नहीं ठीक लगेगी तो फिर नहीं रख करेंगे। अच्छा, आपके साथ जो मुलाजिम होते हैं या जो गनमैन होते हैं, जब आप उनके साथ खड़े होते होंगे तो उनको भी लगता होगा कि कुछ ऐसा करना है जैसे सर कर रहे हैं? अब तो तकरीबन सारे मेरे गनमैन हैं वो सारे जो CIA के होते हैं वो काफ़ी मगी 6 फुट से सारे ऊपर ही ऊपर है, नीचे कोई नहीं होगा, तो मगी इनको इतना ट्रेन कर दिया है मेरे उतरने से पहले पहले वो अपनी अपनी पोजीशन पे खड़े होंगे सारे, किसी क्राइम सीन पे जाना है तो उनको सब पता भी हाँ भी मैंने सर के साथ किसने रहना है, क्राइम सीन किसने देखना है और आंध गुआंध में जो जो नेबर्स होंगे उसको किसने देखना है, कौन आ रहा है कौन गया था कैसे हुआ था, वो अलग अलग पार्टीज हमने बनाई हुई है, मगर उनको इतना हो गया वो भी अपने आप को तकरीबन उन्होंने भी काफ़ी चेंज कर लिया। कई लड़के ऐसे थे जो बीच में शराब वगैरह पीते थे, रात को पी के सो गए, थोड़ा लेट हो गए, उन्होंने शराब पीनी छोड़ दी, मेरे साथ वो लड़के हैं अब जो बिल्कुल मैं जिनको बोलता हूँ भाई नशा फ्री फिट लड़के, जो कहते भी सर हमने भी 1 घंटा जिम जाना, उनको उनकी ड्यूटीज़ बांट दी हुई हैं, सुबह के लिए अलग लड़के हैं मेरे पास, शाम के लिए अलग लड़के हैं, जो सुबह जाएंगे वो रात को कर लेंगे जिम, और हमने हमारा एक प्रोविज़न हमने नया बनाया हमारे SSP साहब ने रोपड़ डिस्ट्रिक्ट में, सारे पुलिस स्टेशन में हमने जिम लगा दिए हैं, हमारे पास 15 पुलिस स्टेशन है, 15 के 15 में हमने हमने पूरे का पूरा सिस्टम बड़ा जिम का अच्छा बना दिया है। वहाँ पे जिस समय लड़के वहाँ पे फ्री होते हैं वो रात के चाहे 2 बजे हों 3 बजे हों अर्ली मॉर्निंग 4 बजे जितने बजे जब कोई जिसकी ड्यूटी खत्म होती है जो जाना चाहता है वो वहाँ पर जाके सभी फिटनेस की तरफ जा रहे हैं लड़के हमारे पुलिस वाले। अच्छा, कभी ऐसा रहा इतना इतना लंबा आपका करियर है कि वाइफ को इनसिक्योरिटी होती हो कि हस्बैंड बाहर जा रहा है और कहीं से भी कोई प्रपोजल आ जाएगा? अभी तो पंगा ही उस चीज का पड़ा हुआ है सारा ये अभी तो जाना बाद में होता है, पहले फोन आने शुरू होते हैं भी हाँ भी कहाँ पहुंचो, कहाँ जाना, कितने बजे आना, कब जाना, क्या इनसिक्योरिटी तो है नेचुरली है इनसिक्योरिटी तो। अच्छा, तो प्रपोजल आते हैं? प्रपोजल चलते रहते हैं, प्रपोजल का तो आप क्या बोलोगे, आप देखा ही है, पर जब आपका डिटर्मिनेशन आपने एक एम रखा हो भी मैंने ये चीज करनी है, फिर प्रपोजल मेरे लिए कोई मायना नहीं रखता, मैंने ये चीज़ करनी है, जैसे मैंने आपको शुरू से बताया था, शुरू से 10th से लेकर अब तक एक टारगेट रखा है, वो जब तक अचीव नहीं होता है तब तक मेरे लिए सारा किसी काम के नहीं लिए। अच्छा, क्योंकि अब हम बिल्कुल अपने कार्यक्रम के समापन पर अंत में हैं, जो यूथ इस वक्त आपको सुन रहा है, आप बड़ी मोटिवेशन है खासकर पंजाब में, और जो मामले आते हैं, जो खबरें आती हैं, जो तकलीफ देती हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे, किस तरीके से आप लोगों को समझाना चाहेंगे आज? पंजाब का यूथ तो मेरे साथ है ही है, वो तो मैं इंस्टाग्राम वगैरह से मैं देख रहा हूँ, पर मेरे को अभी जो इंस्टाग्राम से अभी और जो फॉलोअर आए हैं वो JNK से काफ़ी आए हैं, अभी मैं कनाडा गया था तो वहाँ पर भी जो JNK के लड़के मेरे को मिले थे उन्होंने भी यही कहा भी सर आप तो पंजाब में तो आपका नाम चल ही रहा है, अजय सिंह हमारे JNK में भी चल रहा है, तो सभी यूथ को मेरी यही रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि अगर नशे की तरफ से आप बिल्कुल पीछे हो जाओगे, लड़ाई झगड़ों की तरफ से पीछे हो जाओगे, थोड़े देर के लिए अच्छा लगता है भी नहीं मैंने नशा कर लिया, वो एक रूटीन बन जाएगा, झूठ बोलना शुरू कर देगा, चोरी करना शुरू कर देगा, लड़ाई करना शुरू कर देगा, उसकी लाइफ एकदम चेंज हो जाएगी, पेरेंट्स सोच रहे होंगे भी लड़का हमारा पढ़ने गया, हमने इतने पैसे लगाए, मैं खाना आज कम खाऊंगा, अपने बेटे के लिए पेन ले जाऊँ, पेंसिल ले जाऊँ, कुछ ले जाऊँ, वो सारा का सारा रून हो जाएगा अगर एक छोटी सी गलती किसने करी तो। किसी को मैं अभी भी मैं हर तकरीबन मेरे पास हर यूथ को मेरे पास नंबर है मेरा सबके पास तकरीबन, जो अभी भी मेरे को पूछते हैं अभी सर हम ऐसा कर रहे हैं इसको क्या करें क्या करें, बगैर टाइम देखे बगैर करते हुए मेरे पास आते भी हैं लड़कों, सभी को मैंने यही कहा हुआ है भी ड्रग्स से पीछे हो जाओ, ड्रग को जहाँ पर आपको पता लगता है हमारे को इन्फॉर्मेशन दो, हमारे ड्रग्स के हमने इतने FIRs वगैरह लॉन्च किए हैं अब तकरीबन डबल या ट्रिपल से भी ऊपर हो गई होंगी, अब काफ़ी यूथ जो हमारा पंजाब का है जो बिल्कुल अब सही रास्ते पे चल रहा है, तो सभी को यही मोटिवेशन हम मैं यही देता हूँ भाई जिम करो, जिम नहीं करना है एक्सरसाइज करो, एक्सरसाइज नहीं करनी है ग्राउंड में जाओ, योगा कर लो, कुछ कर लो, पर इस चीज़ों से दूर हो जाओ। बहुत बहुत शुक्रिया अतुल सोनी साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, वक्त निकालने के लिए, और आपको फ्यूचर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें।